भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी आरएलडी जैसे कई राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाने का दावा किया था, लेकिन इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच ही दूरियां साफ नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने के अंदर बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कई सारे बयान सामने आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद आपको बता दें कि इस मामले में स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर सपा और कांग्रेस के बीच जंग है वो छिड़ी हुई है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी आपको बता दें कि अपनी ताकत इंडिया गठबंधन को दिखाने का फैसला ले लिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ के अंदर आपको बता दें कि अपनी ताकत दिखाने का फैसला लिया है। भीम आर्मी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आगामी 29 अक्टूबर को आपको बता दें कि फूलपुर आजमगढ़ के अंदर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां पर सुबह 11 बजे लोहिया पार्क कटुआ मैदान टेकवा फूलपुर आजमगढ़ के अंदर उनकी तरफ से रैली आयोजित की जाएगी। सामाजिक न्याय और विशाल रैली आपको बता दें कि ये आयोजित है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से की जाएगी, जिसमें प्रमुख तौर से मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद ही रहेंगे और ये आजमगढ़ के अंदर होगी फूलपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर चंद्रशेखर आजाद अपनी ताकत अपनी सियासी ताकत है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अखिलेश यादव को और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को दिखाया जाएगा। मिलेंगे वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए कमेंट।